हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अविनाश। वेलकम टू लर्निंग फैक्ट। दोस्तों, देश में CAA लागू हो चुका है। CAA के लागू होने की जानकारी सोमवार 11 मार्च 2024 को अमित शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। इसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने एक और वादे को पूरा किया है और आगे कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे, अब उन्हें भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों, इस विषय में हम पूरी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। दोस्तों, CAA का फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। एक्चुअली काफ़ी सालों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कई गैर मुस्लिम प्रवासी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। ये प्रवासी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। इन लोगों पर वहाँ पर धार्मिक शोषण किया जाता था, उनका उत्पीड़न किया जाता था, उन्हें उनके धर्म के अनुसार पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था और तो और उन्हें जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता था। इन्हें वे सारे अधिकार नहीं दिए जाते थे जो मुस्लिमों को इन देशों में दिए जाते थे, क्योंकि ये सभी इन देशों में माइनॉरिटी के रूप में रह रहे थे। शायद यही बात है कि सन 1947 में आज़ादी के समय पाकिस्तान में 25% हिंदू आबादी हुआ करती थी, जो अब घटकर 1% से भी कम हो गई है। इन्हीं सभी घटनाओं के कारण ये गैर मुस्लिम व्यक्ति वहाँ से भागकर भारत में आकर अवैध रूप से रहने लगे, तो इन्हीं लोगों के लिए CAA बिल लाया गया है। लेकिन यह बिल मुस्लिम व्यक्तियों के लिए नहीं है। इस बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम व्यक्ति भारत आकर रह रहा है, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को 6 प्रकार के दस्तावेज सरकार को बताने पड़ेंगे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, किरायेदारी रिकॉर्ड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस, स्कूल कॉलेज का प्रमाण पत्र। इसके अलावा इन देशों के स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र सरकार के सामने प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह साबित हो सके कि नागरिकता लेने वाला व्यक्ति हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी आदि समुदाय से हैं। आवेदन करने वाले व्यक्तियों को indiancitizenship.nic.in पर पंजीकरण कराना होगा और तस्वीरों के साथ सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। इसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इन सभी व्यक्तियों के पहले के जो भी बैकग्राउंड रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। इसकी जांच करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों की समिति बनाई जाएगी। इस समिति में इंटेलिजेंस ब्यूरो, पोस्टमास्टर जनरल, राज्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के अधिकारी, गृह विभाग और रेलवे मंडल प्रबंधक के एक एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। दोस्तों, इस बिल को 11 दिसंबर 2019 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था। इसके अगले दिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए गए थे। 10 जनवरी 2020 से इस बिल को देश में लागू करना तय किया गया था, लेकिन इसमें और भी कई जरूरी नियमों को जोड़ा जाना बाकी था, इस वजह से यह अधिनियम उस समय लागू नहीं हो। इसके अलावा इस बिल का उस समय काफ़ी विरोध भी किया गया था, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में और देश के कई हिस्सों में इसका विरोध किया गया था, जिसमें 100 से अधिक लोगों की जानें गई थी। लेकिन अब पूरे 5 साल बाद इस बिल को फिर से लागू कर दिया गया है और ये अब देश का प्रॉपर कानून बन चुका है। इसके लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और नागरिकता लेने के लिए 11 वर्ष की सीमा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इस बिल के आने से बहुत से गैर मुस्लिम प्रवासी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी और वह भी भारत में वैध रूप से रहने लगेंगे। दोस्तों, इस अधिनियम का कई पार्टियां विरोध कर रही है। सबसे पहले तो अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस का कहना है कि इस अधिनियम को कुछ चुनाव के कुछ ही हफ्तों पहले लागू करना जरूरी नहीं था, यह सब BJP सरकार के लोकसभा चुनाव जीतने की सोची समझी साजिश है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देश में बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दा है, देश के युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, पहले उनके लिए काम करना चाहिए। देश का युवा बेरोजगार है और महंगाई आसमान छू रही है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि CAA पर। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बिल का खुले तौर पर विरोध किया है और वह पूरी तरह से कोशिश करेगी कि इस बिल को उनके राज्य में इम्प्लीमेंट ना किया जाए। उनका कहना है कि वह ऐसे किसी भी बिल को अपने राज्य में लागू नहीं होने देगी जिस वजह से किसी व्यक्तियों के साथ भेदभाव हो। दोस्तों, इस बिल से संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर को CAA के प्रावधानों से छूट दी गई है।
दोस्तों, भारतीय नागरिकता जन्म से ही वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, माता पिता के पहले से नागरिक होने पर प्राप्त की जा सकती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।